administration. Voicemail. AK administration. Voicemail. LG administration. Voicemail. We want justice. We want justice. Honorable High Court ke orders ko implement karo. Honorable Supreme Court ke orders ko implement karo. Hamare haq mein faisla do. Hamare haq mein faisla do. Hamare haq mein faisla do. Court orders ko implement karo. 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 Hamare saath insaaf karo. Hamare saath insaaf karo. My name is Altaf Said Yetu. I belong to district Kulgam, sir. हम यहाँ पे RT Empaneled candidates जो कि डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं. हमारी सर मेन डिमांड ये है कि हमारे जो हमने जो एप्लीकेशन दायर की थी फॉर द पोस्ट ऑफ RTs, तो उसके लिए ZDOs ने पैनल्स बनाए, COs ने डेंटल निकाले वगैरह वगैरह. तो बाद में जो हमारी फाइल्स है वो यहाँ पे रुकी पड़ी है सिविल सेक्रेटरी में. तो उसके बाद हम कोर्ट में गए. कोर्ट ने हमारे हक में सर ऑर्डर्स भी इजरा किए हुए हैं. ये सर DB का ऑर्डर है, जावेद अहमद बहार वर्सेज दिस शबीर अहमद बहार. सर इसमें क्लियर का डायरेक्शन है कि उनको ऑर्डर दिए जाए. तो बाद में हम सर वहाँ चक्कर काटते रहे सेक्रेटरी में, मिन्नतें मांगी अफसरों की, सेक्रेटरी की, डायरेक्टर की वगैरह वगैरह. तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट था वो ये करना नहीं चाहता. वो तो बाद में सर सुप्रीम कोर्ट में चले गए 4 जनवरी को. सर सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर आया कि उनके हक में ऑर्डर दे दो, क्योंकि हम ये मानने वाले नहीं. उसका ऑर्डर डिले हो चुका है, 1 साल हो चुका है. एज पर रूल्स अगर कोई ऑर्डर कोर्ट निकालता है तो विदिन 9 डेज हमें पेशन करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन डिपार्टमेंट 1 साल के बाद वहाँ पे चला गया. कोर्ट ऑर्डर हमारे फेवर में है लेकिन ऑर्डर हमारे यहाँ इजरा नहीं किए जा रहे. भाई हम जाए तो कहाँ जाए. हाँ हमें कहा जाता है जो जुडिशरी है इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी. हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो जुडिशरी के यहाँ जाना. हम तो वहाँ पे गए सर. हमारी ये डिमांड है कि जो हमारे हक में जो ऑर्डर्स है, क्योंकि जो सही मानों में निकाला गया थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स निकाला गया, हमारे पैनल्स बने गए, हम वहाँ पे जो मेरिट की बुनियाद पे हमें वहाँ पे सिलेक्ट किया गया, अखबारों तक हमारा नाम आया, लोग हमें मुबारकबादी के लिए आए. तब से 4 साल हो गए 8 साल हो गए 9 साल हो गए लेकिन हमारे हक में ऑर्डर इजरा नहीं हो रहे हैं. तो हम आपकी वसादत से, क्योंकि मीडिया जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आपके जरिए हाँ हम आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो कोर्ट के ऑर्डर्स है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना जो आवाम है, लोग हैं, उन पर कोर्ट का भरोसा जो है बिट जाएगा. डेमोक्रेसी का तो भरोसा ही नहीं रहेगा बाद में. इसलिए आपसे, मीडिया वालों से, चूंकि आप तो मेन ऑर्गन है डेमोक्रेसी के, आपके जरिए आपके सामने हम हाथ फैला रहे हैं कि ये बात गवर्नर साहब तक, सेक्रेटरी साहब तक पहुंचा जाए, ताकि जो हमारा दीरना मसला है, पेंडिंग इशू है, लॉन्ग पेंडिंग इशू है, उसको हल किया जाएगा. और जो हमारी फैमिलीज है वो उन्हें भी कुछ मिल जाएगा जिसके लिए उन्होंने हमें पढ़ाया है. सर मैंने PG MEd किया है, 10 साल से मेरा तजुर्बा है एज ए टीचिंग इन द प्राइवेट स्कूल. अब हमने गवर्नमेंट में वो फॉर्म भरा था. कोशिश ये हमारी होगी कि हमें ऑर्डर इजरा किया जाए. वी वांट जस्टिस. वी वांट हुआ नहीं, व्हाट विल द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. वी विल कम ऑन द रोड्स. वी विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक. वी विल फॉलो द नॉन वायलेंट मीन्स. हम गांधी के मानने वाले हैं. हम सत्याग्रह पे जाएंगे.